हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? होप सारे अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी गाइस द्वारका के अंदर बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और जोमेटो के अंदर अभी रेन सर्ज लगा हुआ है। हल्की सी बारिश में भी जोमेटो ना रेन सर्ज लगा देती है, स्विगी की तरह नहीं है कि थोड़ी देर के लिए लगाया और हटा दिया। और ये मैं दिखाता हूँ आपको कैसे शो करता है जोमेटो के अंदर रेन सर्ज लगा हुआ। तो गाइस चलते हैं हमारी जोमेटो ऐप के अंदर। रेन सर्ज लगा हुआ, बारिश हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। दिखाता हूँ आपको कहाँ पे शो करता है रेन सर्ज जोमेटो के अंदर। तो गाइस 15% एक्स्ट्रा पर ऑर्डर पे मिल रहे हैं, और ये सर्ज लगा हुआ है अभी जनकपुरी, नजफगढ़, तिलक नगर, विकासपुरी, द्वारका, सभी लोकेशन पे 15% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं पर ऑर्डर पे। तो गाइस मेरे को ना कल एक भाई मिला था, स्विगी में काम कर रहा था, तो वो कह रहा कि भाई यार मेरा काम नहीं हो रहा। तो काफ़ी लोग कह रहे, मेरे को कह रहे हैं कि स्विगी में भी काम नहीं है, तू भाई छोड़ दे, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई भड़काने वाले बहुत मिलते हैं। अगर आपके पास अदर कोई आईडी है, जोमेटो की है, साइड इफेक्ट की है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अपनी स्विगी की आईडी चलाते रहो तो क्या। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, अपना कभी भी ना किसी को पे आउट मत दिखाओ कि मैंने इतने का काम कर लिया है। तो अपने साथ के बंदे होते हैं ना, अपना पे आउट अपने दोस्तों को दिखाते हो तो उनके साथ खड़े बंदे वो जलते हैं, यार साला मेरा तो काम हुआ नहीं, पूरा दिन काम कर रहा हूँ, सुबह से आईडी ऑन कर रखी है और मेरे पे ऑर्डर नहीं आ रहे और इस पे ऑर्डर आ रहा है। वो कहने का मतलब जेलसी फील होती है, ठीक है। वो मेहनत कर रहा है भाई, उसने पता नहीं किस तरीके से अपने ऑर्डर मारे हैं, किस हिसाब से बंदा काम कर रहा है। तो ये अलग अलग होता है भाई, अपनी मेहनत होती है, किसी भी ऑर्डर बसते हैं अगर कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो। अपना काम करते रहो, ठीक है, किसी की बातों में बताओ, नहीं तो क्या होता है ना, अपना ही काम बिगड़ता है, किसी का नहीं बिगड़ता। हर कोई बंदा ये कहता है कि भाई इसमें काम नहीं है, उसमें काम नहीं है, भाई करते रहो, जिसमें नहीं है ना थोड़ा बहुत काम तो होगा, बस करते रहो, किसी के कहने पे मत चलो, ठीक है। मेरे को बहुत से मिलते हैं कि भाई यार इसमें काम नहीं है, इसमें नहीं है, मैं उस बंदों को बोलता हूँ जिनकी भाई जिनके पास अपनी दो दो आईडियां हैं, तो बंदा उन कंपनियों में काम कर सकता है। जिन बंदों मैं उन बंदों को बोलता हूँ, ये बंदों के पास एक या दो आईडी है, अपनी एक आईडी बंद करके दूसरी आईडी ऑन कर सकता है कि भाई जोमेटो में कर ले या फिर साइड इफेक्ट में कर ले, रैपिडो में कर ले, जिनके पास है वो कर सकते हैं, अदरवाइज जिनके पास नहीं है वो भाई उसी में करते रहो, सबसे बढ़िया है, थोड़ा बहुत काम तो होगा। हरी भाई के ना ज्यादा पेट्रोल बीते हैं ना, उन भाइयों को मैं दिखाता हूँ कि भाई अगर इस लिमिट में अगर हम बाइक चलाएंगे ना तो हमारी बाइक भी सही रहेगी और माइलेज भी सही देगी। तो गाइस चलते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको बाइक किस तरीके से चलानी चाहिए, लिमिट में हमें गाड़ी चलानी चाहिए, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मौसम भी काफी अच्छा हो रखा है, ये देखो आप, साइकिल पे मजे लेता हुआ। तो ज्यादा बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, मौसम काफी अच्छा हो रखा है, ज्यादा गर्मी नहीं है। पहले तो काफी तेज बारिश आई थी, फिर उसके बाद हल्की होगी। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ना 10 से 20, अगर आप 10 से 20 के बीच में गाड़ी चला रहे हो तो आप पहला गियर डाल सकते हैं, अगर आप 20 से 30 के बीच में गाड़ी चला रहे हो तो आप दूसरा गियर डालो, और 30 से 40 के बीच में आप तीसरा गियर डालो, और 40 से 50 के बीच में आप चौथा गियर डाल के अगर आप चलाओगे तो आपकी एवरेज भी अच्छी आएगी और आपकी गाड़ी भी सही चलेगी और सही टाइम निकाल देगी आपकी गाड़ी। नहीं आप क्या करते हैं, पहले गियर में अपनी बाइक की ना रेस पूरी दे देते हैं भगाने के चक्कर में, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंजन का ना बुरा हाल हो जाता है कुछ टाइम के बाद, इंजन बार बार अपनी रिपेयर मांगता है। और ये शायद आपने कभी देखा नहीं होगा कि साइड में जो निशान दे रखे हैं, चौथा गियर डालो, तीसरा गियर डालो, इन पे हमने कभी नोट नहीं दिया।